वक्त हर वक्त चलता जरूर है, ये वक्त बदलता जरूर है। जी हाँ दोस्तों, सचमुच ही राजा भतखवा के होनहार बेटा नेत्र प्रसाद शर्मा का वक्त और किस्मत दोनों बदल गया है। नितिन शेखर द्वारा लिखी गई व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द जंगल नामक पुस्तक में उन्हें हीरो बनाया गया है और इस पुस्तक में उनका नाम अक्षु अत्री है। यह बुक सत्य घटना पर आधारित है। इसमें राजा भतखवा के बेटे नेत्र प्रसाद शर्मा का जीवन वृतांत तथा संघर्षों का वर्णन है। ब्लूम्सबरी इंडिया इसका पब्लिशर है। ब्लूम्सबरी वही पब्लिशर है जिसने हैरी पॉटर नामक उपन्यास प्रकाशित की थी। हैरी पॉटर जेके रॉलिंग द्वारा लिखी गई 21वीं सदी का सबसे मशहूर उपन्यास है। हैरी पॉटर नामों की 7 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द जंगल नाम की हॉलीवुड फिल्म भी बन जाए। बात 2010 की है, जब नितिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी कर रहे थे तो रिसर्च के लिए राजा भतखवा आए हुए थे। उस समय उनकी मुलाकात हुई नेत्र प्रसाद शर्मा से। उस समय नेत्र प्रसाद शर्मा IISc अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत काम करते थे। वे पीएचडी स्टूडेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट तथा टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते थे। असल में नेत्र प्रसाद शर्मा को जंगल तथा वन्य जीवों के प्रति अथाह ज्ञान है। अपने काम तथा अनुभवों से उन्होंने जंगल तथा जंगली जानवरों की रहन सहन के बारे में जो ज्ञान अर्जित की है यह तारीफ़ काबिल है। नितिन नेत्र प्रसाद शर्मा से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने नेत्र प्रसाद शर्मा के ऊपर बुक लिखने का मन बनाया। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर कैसे नेत्र ने संघर्ष किया, कैसे उन्हें जॉब मिला, वन्य जीवों के आतंक से पीड़ित होने के बावजूद भी कैसे वन्य जीवों के प्रति वे समर्पित थे, इन तमाम बातों को लेखक ने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। नेत्र प्रसाद शर्मा को जंगल तथा वहाँ पाए जाने वाले छोटी सी छोटी कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी तथा अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी भलीभांति पता है। यही कारण है कि नितिन नेत्र प्रसाद शर्मा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने नेत्र प्रसाद शर्मा की जीवन कहानी को व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द जंगल नामक बुक में प्रस्तुत किया है। हमने इस बुक को लेकर नेत्र प्रसाद शर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, आपको कैसे मालूम चला कि आपके बारे में एक किताब लिखा जा रहा है? तो 2010 में जब उनसे मुलाकात हुआ तो साथ में फील्ड वर्क करने जाते थे। उसके बाद मैं यहाँ का हिस्ट्री के बारे में एक एक करके बोलता था तो उनको बहुत पसंद आता था, तो उन्होंने वो नोट करके रखे थे। उसके बाद जब 2011-12 में उन्होंने बोला कि आपका हिस्ट्री तो बहुत अच्छा है, मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ, आप अगर मुझे हेल्प करेंगे तो आपका लाइफ हिस्ट्री लेके और इधर का कंजर्वेशन, टी गार्डन का प्रॉब्लम और फॉरेस्ट विलेज का प्रॉब्लम और फॉरेस्ट का प्रॉब्लम सब लेके, वो इधर का बेकार समस्या का प्रॉब्लम सब लेके एक किताब लिखने का बहुत इच्छा हो रहा है मुझे, तो आप हेल्प करेंगे तो मैं लिखूँगा बोले। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे द्वारा किसी को हेल्प होगा, बेकार समस्या में कुछ परिवर्तन होगा या एजुकेशन के बारे में कुछ होगा या हेल्थ के बारे में कुछ अगर अच्छा काम होगा तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मैंने उनको हेल्प किया जितना मैंने संभव हेल्प किया, उसके बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। साथ ही इस बुक में फॉरेस्ट विलेज तथा वहाँ के लोगों की समस्याओं का भी उल्लेख है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र जैसे गारोपाड़ा, कालचीनी, जयंती, दलसिंहपाड़ा, राजा भतखवा आदि जो चाय बगान वाला क्षेत्र है, यहाँ के श्रमिकों की समस्याओं को भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। कम आमदनी के कारण चाय बगान क्षेत्र के बालक बालिकाएं कुपोषण का शिकार होते हैं। इन तमाम बातों को नितिन ने व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द जंगल बुक में उल्लेख किया है। हमने व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द जंगल बुक के लेखक नितिन शेखर से इस बुक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, नमस्ते, मेरा नाम नितिन शेखर है और मैंने एक किताब लिखा है। ये किताब का नाम है व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द जंगल। भारत में लगभग 140 करोड़ आदमी रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा जंगली हाथियां, एशियन एलिफेंट, शेर, गेरा और काफी और जंगली जानवर रहते हैं। जब भारत का जनसंख्या इतना ज्यादा है और हमारा जंगल इतना कम है, ये कैसे हुआ कि इतना जंगली जानवर फिर भी हिंदुस्तान में बचा हुआ है? इसको समझने के लिए मैंने अक्षु अत्री का कहानी लिखा है। अक्षु का जन्म, उसका पूरा जिंदगी बक्सर टाइगर रिजर्व में हुआ है। वो और उसका परिवार बहुत गरीब थे, बहुत खर्च करते थे, लेकिन फिर भी जब जंगली हाथियां जंगल से निकल के उनका अनाज खा लेते थे,
अक्षु और अपना परिवार अपना पड़ोसिया हाथी को नहीं मार डालते थे। अक्षु का कहानी बहुत दिलचस्प है। वो जंगली जानवर के साथ कैसे रहते थे, वो चोर और शिकार लोग के साथ कैसे रहते थे, उसको काम नौकरी कैसे मिला, उसको प्यार कैसे मिला। अक्षु की कहानी से हम सब सीख सकते हैं भारत में इतना आदमी और जानवर कैसे एक साथ रहते हैं, और ये जंगल और जंगली जानवर जो अब तक बचा हुआ है हम भविष्य में कैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।